नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गई तीन टी20 मैचों की श्रृंखला में भारत ने शानदार तरीके से श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहद ही दमदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम की है। वहीं इस सीरीज की जीत के बाद भारत काफी उत्साहित है और अपनी आगामी श्रृंखला के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से टेस्ट मैचों की श्रृंखला की शुरुआत होनी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं। ऐसे में ये बड़ा मंच होगा भारत के लिए, जहां पर शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत एक बार फिर से अपना दमखम दिखाना चाहेगी। तो वहीं पर इस सीरीज में भारत शानदार तरीके से जीत दर्ज करने के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी राहें आसान कर लेगी। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर श्रृंखला खेली जानी है, जहां पर भारत को यह सीरीज जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सीरीज के जीत के बाद ही भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच पाएगा। ऐसे में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेस्ट मुकाबला देखने मैदान में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 4th टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ ये मुकाबला देखेंगे और टीम इंडिया का हौसला अफजाई करेंगे। गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 खेली जानी है। इस श्रृंखला में कुल 4 मैच खेले जाने हैं। आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को हर हाल में इस सीरीज के 3 मुकाबले जीतने हैं। ऐसे में टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने, हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी मुकाबले में स्टेडियम में पहुंचेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4th और आखिरी टेस्ट मुकाबला 9 से 13 मार्च तक अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मैच देखने पहुंचेंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलियाई टीम का हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर भारत देश के प्रधानमंत्री रोहित की सेना का हौसला बढ़ाते हुए दिखेंगे। गौरतलब है कि भारत गावस्कर ट्रॉफी के पिछले 3 सीरीज भारत के नाम रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेगी। वहीं टीम इंडिया WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रृंखला जरूर जीतना चाहेगी। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होगा। इसके बाद अगले 3 टेस्ट मैच दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे और दूसरा टेस्ट मुकाबला 17 से 21 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जबकि तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 से 5 मार्च को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा और 4th टेस्ट 9 से 13 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और टीम इंडिया का हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस श्रृंखला में किस तरीके से प्रदर्शन करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने ही नाम के बने स्टेडियम में पहुंचेंगे और टीम इंडिया का हौसला अफजाई करेंगे, तो उस वक्त का भी नजारा देखने लायक होगा। बहरहाल, आप कमेंट करके बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुकाबला देखने जा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन करेगी, उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिए।